ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर एटा से है, जहां एटा जिले के बदरिया रोड पर 43वीं पीएसी वाहिनी के समीप बनी मुरली कृष्णा चकोरी फैक्ट्री को बंद कराने आज सैकड़ों की संख्या में करीब आधा दर्जन गांव के ग्रामीण ऑल इंडिया किसान यूनियन के बैनर तले एटा स्थित धरना स्थल पर बैठ गए। हाथ में तख्तियां और बैनर लिए सैकड़ों किसान और ग्रामीण नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने चकोरी फैक्ट्री को बंद कराने की प्रशासन के समक्ष मांग रखते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी समय तक जब प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा समस्या सुनने नहीं पहुंचा, तो सैकड़ों की भीड़ धरने पर बैठ गई और मुरली कृष्णा चकोरी फैक्ट्री के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरने का बिगुल फूंक दिया। ग्रामीणों और किसानों ने बताया कि चकोरी फैक्ट्री से निकले गंदे कचरे और पानी की वजह से आसपास के करीब आधा दर्जन गांव की जलवायु दूषित हो चुकी है। फैक्ट्री की धधक रही चिमनी से दिन रात राख निकलती है, जो लोगों के कपड़ों और नाक में जम जाती है। लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। अब तक 12 लोगों की कैंसर जैसी बीमारी से मौत हो चुकी है। वर्तमान में 7 लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। गांव के लोगों को गंदी और दूषित हवा लेनी पड़ रही है, पानी दूषित हो चुका है। चकोरी फैक्ट्री के विरोध में धरने का नेतृत्व कर रहे ऑल इंडिया किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी ने नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही मुरली कृष्णा फैक्ट्री को बंद करवाया जाए। अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान करते हुए लोधी ने कहा कि अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो धरना और भी उग्र हो सकता है। क्या नाम है आपका? मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन हूँ। आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस बात को लेके? चकोरी प्लांट जो बदरिया गांव के पास में है, चकोरी प्लांट जो पानी निकलता है वो जहरीला पानी बन चुका है और उसका जो वेस्टेज है वो भी जहरीला है। तो ऐसे हालातों में वो पानी उस फैक्ट्री का निकलता है, क्षेत्र के गांव में पहुंच रहा है, अंदर अंदर पहुंच रहा है। इससे क्या है कि पूरे क्षेत्र का पानी दूषित हो चुका है और उसका हम सैंपल भी लेके आए हैं। कल की जाँच हुई तो पानी लगभग 80% खराब हो चुका, पीने योग्य नहीं रहा है। ऐसे हालातों में चकोरी प्लांट के विरोध में पूरा क्षेत्र उमड़ पड़ा है। क्यों? जानबूझ के पानी और खराब हो रहा है। चकोरी प्लांट बंद होना चाहिए, चकोरी प्लांट बंद होना चाहिए। चकोरी प्लांट आज अगर बंद हो जाता है तो वर्तमान सुरक्षित रहेगा, अन्यथा चकोरी प्लांट की वजह से लगभग 30-20 किलोमीटर में पानी जहरीला पहुँचेगा। ये धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, कब तक चलेगा आपका ये धरना? ये धरना तो अनिश्चितकालीन धरना है। अनिश्चितकालीन का मतलब होता है कि जब तक कि ये चकोरी प्लांट बंद नहीं होगा तब तक लगातार ये धरना जारी रहेगा। क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है कि चकोरी प्लांट जो बदरिया पर बना हुआ है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चकोरी प्लांट बंद होगा तो जहरीला पानी है जो है खत्म हो जाएगा और विशुद्ध जल मिलने लगेगा और क्षेत्र अच्छा होगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।